नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मैं हूं आपका मित्र सुनील शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष से जुड़ी कुछ स्पेशल बातें। सो दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं आज इस पॉइंट पर कि हमारी होरोस्कोप में यदि मंगल और शनि का योग बन जाए या बन रहा है तो किस प्रकार से उसका फल हमें जीवन में मिल सकता है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। लेकिन आपसे प्रार्थना है, हमारे इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मिल सके न्यू अपडेट्स हमारी। सो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को, लेकिन इस इंट्रो के बाद में। प्यारे दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम वंस अगेन। मंगल और शनि का योग यदि हमारी होरोस्कोप में बन रहा है तो इसका क्या फल मिलने वाला है, किस तरह का हमारा आचरण या धन के बिना हमारा जीवन बीतने वाला है, तो इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर शास्त्र हमारा क्या कहता है मंगल और शनि के योग में। तो शास्त्र दोस्तों यहाँ पर कहता है, वाग्मींद्रजाल दक्षश्च विधर्मी कलह प्रिया विषमध्या प्रपंचाद्यो मंद मंगल संगमे। वाग्मींद्रजाल दक्षश्च विधर्मी कलप्रिया विषमध्या प्रपंचाड्यो मंद मंगल संगमे। दोस्तों, जिनका मंगल और शनि का योग जीवन में होता है, कुंडली में होता है, ऐसे लोग जो है मनीष शनि मंगल के योग से, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ये योग यदि किसी की होरोस्कोप में बन रहा है तो सीधा सा है कि वह एक वक्ता भी हो सकते हैं, कोई प्रोफेसर हो सकते हैं किसी विषय के, और अच्छे जानकार होते हैं ऐसे लोग जिनका मंगल शनि एक साथ किसी भी घर में बैठा है होरोस्कोप के। और इसके साथ साथ में दोस्तों, मंगल शनि के ऐसे योग से ऐसे व्यक्ति जो है इंद्रजाल को जानने वाले भी होते हैं। यानी इंद्रजाल का मतलब सीधा सा है कि कोई ऐसे व्यक्तियों को तंत्र में बहुत विश्वास होता है और ऐसे लोग जो है तांत्रिक भी होते हैं। इसलिए दोस्तों, धर्महीन लेकिन ऐसे व्यक्ति जो है भले ही वक्ता हो, इंद्रजाल को जानने वाले हों, लेकिन इसीलिए वो जो है धर्महीन ही होते हैं। अपने इंद्रजाल से और अपनी विद्या जो उन्हें आती है, जिसमें वो प्रवक्ता हैं, बाइंडेड हैं, वो लोग जो हैं अधर्मी भी होते हैं, धर्महीन होते हैं, यानी कि धर्म को मानने वाले नहीं होते हैं और धर्महीनता के कार्य इंद्रजाल के द्वारा किया करते हैं। झगड़ालू किस्म के होते हैं, उनका स्वभाव थोड़ा जो है झगड़ालू होता है, तेज तर्रार होता है, किसी से भी लड़ने वाले भिड़ने वाले ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं। विष और मदिरा को बनाने वाले भी ऐसे लोग होते हैं, वेपन्स को बनाने वाले ऐसे लोग होते हैं, यानी कि शस्त्र, चाकू, छुरी, तलवार या फिर जो है कोई बंदूक इत्यादि को बनाने वाले भी होते हैं चोरी छिपे, जो कि सरकार के अलावा जो है इनलीगल वर्क भी कर सकते हैं। साथ में इंद्रजाल वाले तांत्रिक भी ऐसे लोग होते हैं, विष को बनाने वाले यानी कि पॉइजन को क्रिएट करने वाले ऐसे लोग होते हैं, और मदिरा बनाना पीना इनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो मंगल और शनि के इस संयोग से जो है काफ़ी जो है गड़बड़ यहाँ पर इनके जीवन में हो सकती है। तो दोस्तों, ये फल था मंगल और शनि का, जो कि अच्छा नहीं है। और मंगल शनि के इस योग को दूर करने के लिए आप जो उपाय कर सकते हैं, ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए आप जो है हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जो कि इंट्रो में दिया होता है, इस पर आप बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली को एनालिसिस करवा सकते हैं और विशेष जानकारी ले सकते हैं। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।